आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहि रहमान रहीम। मैं हूं फ़रुख़ इफ्तिखार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल kheti.com। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं गन्ने के एक ऐसे फील्ड में मौजूद हूं जिसमें माइट्स का हमला नज़र आ रहा है। आज हम गन्ने में जुओं से होने वाले नुकसानात और उसके कंट्रोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। जुओं का शुमार ख़तरनाक सकिंग पेस्ट में होता है। ये आम तौर पर पत्तों की निचली सतह से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से फसल पर बहुत बुरा असर पड़ता है और पैदावार में कमी वाक़ हो जाती है। हमला टुकड़ियों की शक्ल में होता है जो चंद दिनों में ही फैल जाता है। जुओं के हमले की वजह से गन्ने की फसल दूर से ही जली हुई नज़र आने लगती है। हमला की सूरत में फसल को खाद और पानी की कमी हरगिज़ ना आने दें। ज़्यादा हमला नज़र आने पर अगर फसल छोटी है तो फौरी तौर पर मुनासिब जहर का स्प्रे कर दें, और अगर फसल कद्दावर है तो 6-6 लाइनों के बाद हल्के हल्के रास्ते बनाकर दोनों अतराफ से स्प्रे कर दें। स्प्रे करते वक्त पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। गन्ने की फसल पर जुओं या सफ़ेद मक्खी का हमला भी जून से सितंबर तक देखने में आ सकता है। मिलीबग नज़र आने की सूरत में भी फसल की हालत कुछ इसी तरह की नज़र आने लगती है। आप जुओं के कंट्रोल के लिए एबामेक्टन 80 मिलीलीटर ता 100 मिलीलीटर फी 20 लीटर पानी में या फिर डायाफेंथोरान 25 मिलीलीटर फी 20 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। गन्ने में सफ़ेद मक्खी का हमला नज़र आने की सूरत में आप डायाफेंथोरान ही स्प्रे करवाएँ, और मिलीबग के पैचेस नज़र आने पर फौरी तौर पर इस जगह को बाकी फसल से अलहदा करके फौरी तौर पर स्प्रे कर दें। याद रहे, जड़ी बूटियों का कंट्रोल मिलीबग के फैलाव में बेहतरीन मावन है। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल kheti.com को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि अपने चैनल kheti.com को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।